जय हिंद। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं ऐसे सवाल जो आपको शायद ही पता होगा। ऐसे सवाल अक्सर इंटरव्यू में या मौखिक वगैरह में पूछा जाता है, तो आप अपने जनरल नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आज का पहला सवाल क्या कह रहा? आज का पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा होटल किस देश में? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या स्वयं कॉपी पे नोट डाउन कर सकते, क्योंकि ये सब सवाल का जवाब एनिमेशन के माध्यम से यानी फोटो के माध्यम से आप समझेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा होटल किस देश में है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान में जो है दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। और आपको हर एक सवाल में 2 से 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा, उसी दौरान आपको आंसर कमेंट करना है या अपने कॉपी में नोट डाउन करना। सवाल नंबर दो में है, प्याज खाने से कौन सा बीमारी उत्पन्न हो जाता है या प्याज खाने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर है पेट की बीमारी होती है, प्याज खाने से पेट की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सवाल नंबर 3 में है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर है आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। सवाल नंबर चार में है, किस पक्षी का तेल सिर में लगाने से पैर से बाहर निकलता है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है धनेश चिड़िया का तेल, जो कि सिर में लगाइएगा तब पैर के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। सवाल नंबर पाँच में, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है 5 बार, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, लगभग 1519 से लेकर 1526 के दौरान। सवाल नंबर छः में, भारत का पहला कंप्यूटर किस राज्य में बनाया गया था? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का पहला कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि बेंगलोर के एक पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था, जिसका नाम सिद्धार्थ था। सवाल नंबर सात में, ऐसा कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर के 2 पैरों पर और शाम में 3 पैरों पर चलता है? तो इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब कोई नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं है। आपको बता दें कि यहाँ सुबह का मतलब कहा गया है बचपन और दोपहर का मतलब कहा गया है जवानी तथा शाम का मतलब कहा गया है बुढ़ापा। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, चांद पर सबसे पहले कौन सा जानवर गया था? तो दोस्तों, चांद पर सबसे पहले, तो इसका जवाब है चांद पर सबसे पहले कुत्ता गया था। सवाल नंबर 9 में, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कार्बाइन है। ऐसा माना जाता है कि हीरे तथा ग्रेफीन से अधिक कठोर होता है यह कार्बाइन। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 में, सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सवाल नंबर 11 में, भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।